वारासिवनी की ग्राम पंचायत रमरमा में आस्था का केंद्र पहाड़ी पर स्थित भगवान महादेव के दरबार में खनिज विकास निगम अध्यक्ष और विधायक प्रदीप जायसवाल पहुंचे। रमरमा पहुंचकर जायसवाल ने जहां भगवान भोलेनाथ को भंडारा समर्पित किया, वहीं तेजी से प्रसिद्ध हो रहे यहां के झरने को लेकर हर हर महादेव ट्रस्ट के सदस्यों और श्रद्धालुओं से विस्तृत चर्चा की। ट्रस्ट की ओर से जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जनपद अध्यक्ष चिंतामण नागपुरे, हर हर महादेव ट्रस्ट अध्यक्ष बुलेंद्र ठाकरे, त्रिवेदी माइन संचालक आशीष त्रिवेदी, अधिवक्ता आनंद बिसेन, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मरार, संतोष आढ़े, चांदनी शर्मा, आंचल रेवेकर, मिलिंद नकपुरे, मोनू लिमजे सहित बड़ी संख्या में जायसवाल के समर्थक और ग्रामीण जन मौजूद रहे। भ्रमण और निरीक्षण करते हुए जायसवाल ने सैलानियों और ट्रस्टी सदस्यों से विस्तृत चर्चा की और नाका टोला से रमरमा तक सड़क बनवाने और पार्किंग की व्यवस्था के साथ यहाँ के विकास के लिए आए सभी प्रस्तावों को पूरा करने का वादा भी किया और यहाँ आने वाले सैलानियों की सुरक्षा के भी इंतजाम करने की बात कही। खनिज निगम अध्यक्ष जायसवाल ने रमरमा के प्राकृतिक झरने और यहाँ स्थित भोलेनाथ के मंदिर को सर्व सुविधा युक्त पर्यटन स्थल बनाने के साथ इसे संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रदेश के पर्यटन स्थल के नक्शे में लाने की भी बातें कही। मेरा नाम है नीरज पांडे, कहाँ से रहने वाले आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़। आज यहाँ पे घूमने आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पे देखिए भैया, बहुत अच्छी जगह है, इसके बारे में हमने सुने भी थे, इसलिए हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो यहाँ सिर्फ थोड़ा सा डेवलप करने की और ज़रूरत है इस चीज़ को, तो ये अच्छा, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने लोगों से सुना हुआ था इस चीज़ के बारे में, इस जगह के बारे में, तो यहाँ पे मैं इसलिए पहली बार आया हूँ। आपको यहाँ क्या नई चीज़ देखने मिली और कुछ कमियाँ देखी हो आपने? झरना वगैरह सब बढ़िया है, नहाने वाने की जैसे बच्चों को खेलने वेलने के लिए भी अच्छी सुविधा है, खेलते खेलते नहाना भी हो रहा है, उनका इंजॉय कर रहे हैं सभी लोग, यही चीज़ है। कहाँ के रहने वाले आप? वारासिवनी के, वार्ड नंबर 5 वारासिवनी। आप यहाँ घूमने आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ? अच्छा तो लग रहा है, कोरोना काल में 4-5 महीने बाद हम लोग बाहर निकले हैं, तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना का डर सबके मन से निकल चुका है। क्या कमियाँ देखी आपको और कैसा महसूस हो रहा है? तो ये है कि जैसे यहाँ पे आते हैं लोग इन्जॉय करने के, तो उसके हिसाब से यहाँ डेवलप होना चाहिए। पहले जैसे यहाँ से 28 साल पहले आई थी, जब यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी, अभी डेवलपमेंट के मान से सीढ़ियाँ वगैरह बन गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कितने सालों से आ रहे थे आप यहाँ? मैं यहाँ पे 27-28 साल पहले में आई थी, उसके बाद 27-28 साल बाद आई हूँ। कुछ फर्क दिख रहा है आपको अभी? हाँ, फर्क में यही है कि सीढ़ियाँ बन गई है, रेलिंग हो गई है, पहले तो सीधा सीधा ही था, वैसे चढ़ के आना पड़ता था, अभी बहुत अच्छा हो गया है, लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, बच्चे भी आते हैं। कोरोना में जो सब अंदर अंदर है कि वो हो गए थे, यहाँ के थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ डेवलप होना चाहिए। अभी ट्रस्ट के सभी लोगों से मेरी चर्चा हुई, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे मुन्ना भैया से बात हुई, और जितने श्रद्धालु लौट रहे हैं मैंने आपने देखा, मैंने उनसे भी बात किया है, तो निश्चित रूप से मैंने जैसा कहा, स्वच्छ सुसज्जित और सर्व सुविधाई, मतलब पानी की व्यवस्था रहे, कचरे की सफाई होती रहे, और इतना झाड़ी जंगल में कभी कोई अप्रिय घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, ये सारी चीज़ की जवाबदारी अब समिति के माध्यम से सभी पदाधिकारियों की रहेगी, और इसमें जिला प्रशासन और शासन के माध्यम से पूरा सहयोग हमारा रहेगा। और इस क्षेत्र में जैसा कि मैं माइनिंग मिनिस्टर भी रहा पहले, अभी मैं निगम का अध्यक्ष भी हूँ, तो हमारे माइनिंग के हिसाब से हमारी जितने यहाँ एजेंसी काम कर रही है, जो त्रिवेदी एंड कंपनी काम कर रही है बालाघाट, उस एजेंसी के माध्यम से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि मेरा वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र खुद का है, 20 साल से मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, तो व्यक्तिगत तौर पर भी जो भी संभव हो सकेगा यहाँ पर सुविधा लाने के लिए ट्रस्ट के सारे पदाधिकारी से चर्चा करके, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी का सुझाव आएगा उसके अनुरूप जो यहाँ पर बहुत शीघ्र यहाँ पर सारी सुविधा लाने का। तो भैया ये बताइए कि ये चूँकि वन स्थल है, एक मतलब वन भूमि है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप किसी प्रकार का डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें क्या राजपत्र में इसे शामिल किया जाएगा पर्यटन स्थल के रूप में? मेरा प्रयास करेंगे निश्चित रूप से, जैसे रामपाली है, रामपाली हमारी रामनगरी के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में आपने देखा कि रामपाली के मेले को हमने काफ़ी उठाने का प्रयास किया, उसमें सरकार का भी हमने सहयोग लिया, जिला प्रशासन का लिया, और उसी तरह से रमरमा को भी एक रमणीय स्थल बनाने के लिए, चाहे वन विभाग हो, चाहे हमारा माइनिंग विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, सबका सहयोग लेके, और हमारे जो ट्रस्ट यहाँ बना हुआ है इनकी बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका ट्रस्ट की, तो सामने उनको रहना, बाकी सबका सहयोग जुटाने का काम मेरा रहेगा, और आर्थिक रूप से जो भी यहाँ सहयोग लगता है शासन प्रशासन से, और स्वयं अपनी ओर से भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से यहाँ पर लाने का।
भैया एक समस्या और है, कितनी बड़ी संख्या में लोग जिले ही नहीं अभी तो अन्य राज्यों से भी यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं दिखाई दे रही है, क्या आप इसको संज्ञान में लेंगे? सारे दिनों वो भी शामिल है, जैसे मैंने पहले कहा है कोई अप्रिय स्थिति ना बने, कोई घटना ना हो, इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग होना चाहिए और ट्रस्ट जैसा जैसा ट्रस्ट का सुझाव आएगा, क्योंकि यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अनेकों प्रकार की बातें आएगी और जैसे जैसे लोगों की भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे हमको सुविधा भी होगा। तो ये मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी, ये पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इनका सुझाव महत्वपूर्ण रखेंगे, जैसे सुझाव देंगे तो सारे विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, माइनिंग विभाग, सभी का सहयोग लेके यहाँ पर